लेकिन योग को दूसरे देशों ने स्वीकार किया, भारत ने उसको ग्रहण नहीं किया। और जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी ने उसका उपयोग के बारे में कहा, उसके लाभ के बारे में जब लोगों को बताया तो लोगों की समझ में आया, आज योग को केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व ने स्वीकार किया है। और ये किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, ये मानव जाति के कल्याण के लिए है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुझे इस जॉनल पार्क में आने का अवसर आदरणीय राम प्रताप जी के सौजन्य से ही प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम पास में ही है। वैसे तो आगरा के लगभग हर पार्क में, गली मोहल्ले में ये कार्यक्रम आयोजित हैं और अनेक कार्यक्रमों की सूचनाएं और निमंत्रण मेरे पास भी आए हैं। लेकिन समय है 5 बजे से 7 बजे तक का ही हो सकता है। 7 बजे बाद में योग के लाभ नहीं हो पाते हैं। और हमारे यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त का एक बड़ा भारी महत्व है। प्रारंभ काल से बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यायाम और उठकर मात्र घूमने भर से भी स्वास्थ्य को बड़ा लाभ होता है, ऐसा हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। हालांकि मैं इसका पालन बहुत समय से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रात्रि में देर से सोता हूँ। लेकिन योग में मेरा पूरा विश्वास है और प्रारंभ काल से ही इसको मैंने ग्रहण भी किया है। मैं आप सबको योग दिवस की बधाई देता हूँ। और भाषण का अवसर भी नहीं है, और जितना हम खुद योग करते हैं अपने परिवार को भी इसमें शामिल करें और कोशिश करें कि हम इससे अपने अड़ोस में पड़ोस में जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सेवा हम करेंगे। मेरे योग से जितने लोगों को जोड़ लेंगे उतने लोगों की हमने सेवा की है, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप हमारे अनुरोध पर आपने यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना बिजी कार्यक्रम है, अमल गार्डन है बगल में, वहाँ भी इनका प्रोग्राम है, इसके अलावा और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो इसलिए विधायक जी ने जो समय दिया है जोनल पार्क और पतंजलि योग समिति के अनुरोध पर, उसके लिए उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है और उनको सम्मान हम प्रणाम करते हैं। संगच्छध्वं समवद्ध्वं समवो मनासि जानिता देवाभागं यथा पूर्वे संजीनाना उपासिते संजीनाना उपासिते संजीनाना उपासिते। हम सब एक साथ गमन करें, हम सब के सुर एक हों, जैसा कि पूर्व में था। आइए हम अपने को उस ईश्वरत्व में की उपासना में संलग्न करें। ओम सभी को इसको दो बार और दोहराएंगे। श्वास बाहर आगे झुकाए, श्वास अंदर बढ़ते हुए पीछे झुकाए। एक बार श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, पास भरते हुए पीछे, श्वास अंदर भरे सामने, फिर से दाएं ओर सामने बाएं, पास भरते हुए वीवाचालन का चौथा अभ्यास, जिसमें गर्दन को चारों ओर घुमाना है। पास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाए और श्वास भरते हुए गली की सुई की दिशा जाए, पीछे में श्वास भरते हुए बाई ओर से पीछे जाए और दाहिनी ओर से श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ गए। उसको दो बार रिपीट करेंगे।
पीछे दाएं से बाएं और धीरे धीरे धक्का नहीं देना है, फिर बाएं से दाएं और बहुत आराम से एक बार और यह अभ्यास करेंगे। दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, शिवाचारण के बाद और स्कंद संचालन का अभ्यास। स्कंद संचालन के दो अभ्यास हैं, पहले में रहते यहां सीधे कर अपने शरीर से लगाएं, पास अंदर भरते हुए दोनों बाहों को उठाएं, खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं दोनों हाथ, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे ले गया है, स्कंद खिंचाओ दूसरी बार फिर से सांस अंदर नीचे ऊपर बार श्वास ले गया है, एक बार और श्वास अंदर पीछे रखो ऊपर लेके जाए और श्वास बाहर छोड़ देंगे नीचे ले गया है, अभ्यास स्कंद खिंचाओ। अब दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्र, दोनों हाथों को मोड़ते हुए उंगलियां कंधे में टच कर दोनों कंधे को मिला लेंगे, ऐसे पास अंदर रखते हुए ले जाए ऊपर पूरा ऊपर की और घुमाते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आए, फिर से कोहनियां मिल जाएंगी, पीछे से लेके जाए पूरा ऊपर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे से नीचे ले गया है, फिर से श्वास भरते हुए सामने श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते हुए सामने फिर से श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते